हाँ बहुत अच्छा आर्टिकल है, मैंने अभी अभी पढ़ा। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। मंदाकिनी तुम इस तरह अचानक? वही हुआ माँ जिसका मुझे डर था। आज तो बात इतनी बढ़ गई कि मुझे वो घर छोड़कर यहाँ आना पड़ा। तुम अपना घर छोड़कर आई हो? और क्या करती माँ, वो घर अब मेरा नहीं रहा। रोज रोज की जिल्लत आखिर कोई कब तक बर्दाश्त कर सकता है। सुबह शाम बस एक ही बात कि निरंजन कुछ काम क्यों नहीं करते। लेकिन तुम्हें तो वो कुछ नहीं कहते ना। ये सब मुझी को सुनाया जाता है माँ। मेरे सास ससुर को लगता है कि निरंजन की हर गलती के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। लेकिन फिर भी तुम्हें इस तरह अपना घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अब तो मैं वो घर छोड़कर आ चुकी हूँ माँ। निरंजन कहाँ है? हम तो गाड़ी के दो पहिए हैं सासू माँ, हम अलग कैसे हो सकते हैं? अगर मंदाकिनी उस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी उस घर में नहीं रहूंगा, ये मेरा फैसला फाइनल है। कैसी बातें कर रहे दामाद जी, आप तो बहुत समझदार हैं। आपको समझाना चाहिए था मंदाकिनी को। आपको समझदार लगता हूँ सासू माँ, बस उन्हें ही समझदार नहीं लगता। अब मेरे पास कितने अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज हैं, अब कोई क्लिक ना करे तो इसमें मेरी क्या गलती। मैंने शेयर्स में पैसे लगाए, अब मार्केट क्रैश कर गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है सासू माँ। और फिर वो स्ट्रॉबेरी प्लांटेशन वाला आइडिया कितना बेहतरीन आइडिया था। अब जमीन ही बंजर निकली तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। किसी भी बड़े बिजनेस में 20-50 लाख रुपए तो डूब ही जाते हैं, इसे क्या फर्क पड़ता है सासू माँ। अब अगर एक भी आइडिया मेरा क्लिक कर गया तो करोड़ों कमा कर भी तो दूंगा। लेकिन घर वालों का भी तो कुछ हक होता है। नहीं, हक है लेकिन उन्हें जो कुछ भी कहना है मुझसे कहना चाहिए। मंदाकिनी को अगर कोई ताने देगा तो ये मैं हरगिज हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा सासू माँ। देखिए दामाद जी, आप मेरे बेटे समान हैं, आप पर मेरा भी हक है। मैं तो यही कहूंगी कि छोटी छोटी बातों पर इस तरह घर नहीं छोड़े जाते। लेकिन माँ। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं जो भी कर रही हूँ तुम लोगों के अच्छे के लिए ही कर रही हूँ। हेलो, नमस्कार संधि जी, मैं राजेश्वरी बोल रही हूँ जी। दोनों यही आए हैं जी? नहीं, मैं इनके गलती में इनका साथ नहीं दे रही हूँ, बल्कि मैंने तो ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि निरंजन और मंदाकिनी अभी इसी वक्त वहाँ आकर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन दोनों को माफ़ कर दीजिए। थैंक यू। शिवानी कैसी है बेटी? जी मैं ठीक हूँ, आप लोग आइए ना। हाँ, आने के लिए तो आए हैं। चलो दीदी। लगता है पूजा करके आ रही मेरी बच्ची। जी हाँ हाँ, पूजा तो करनी चाहिए, वैसे भी तुम्हारे जैसी प्रॉब्लम में पूजा ही काम आती है। प्रॉब्लम? आप लोग किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं? क्या छोटी, तू भी, प्रॉब्लम तो चलता ही रहता है, और फिर मुंबई जैसे शहरों में तो ये प्रॉब्लम आम बात है ना? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग किस प्रॉब्लम की बात कर रही है? शिवानी अब इतना बनो भी मत, हमारे कान कच्चे नहीं है, उड़ते उड़ते हमने खबर सुन ली है, छोटे दामाद जी की पटरी तुम्हारे साथ ठीक नहीं बैठ रही। हाँ छोटी, पटरी कैसे बैठेगी भाई, जब पति अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखेगा तो गड़बड़ तो होगी ना, है ना? देखिए आप लोग, शिवानी हम ये थोड़ी ना कहते हैं कि सारा कसूर तुम्हारा ही होगा। मर्द है, मर्दों की तो आदत ही होती है इधर उधर मुंह मारने की। छोड़ शिवानी, तू ये बता कि अभिषेक का चक्कर चल किसके साथ है, शादीशुदा है कि कुंवारी, मुंबई की है या बाहर की? मैं बताऊं? बाप रे, भाभी, दीदी, चल छोटी निकल यहां से। रुको, तुम लोगों को बेशरम कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। कितनी अच्छी बातें कर रही तुम उस लड़की से। भाभी हम तो वो बकवास बंद करो। दायन भी कम से कम एक घर छोड़ देती है, लेकिन तुम लोग दायन से भी बदतर हो। निकल जाओ यहां से, निकलो। Thank you.
क्या हुआ रजन? कहाँ है वो समीर? कहीं बाहर गया हुआ है। मैंने राम सिंह से कहा है जैसे ही आ जाए खबर कर दे। इस दो कौड़ी के पुलिस वाले ने हमारी नींद हराम कर दी है। हमारा नमक खाता है और हमारे घर में रहकर नमक हरामी कर रहा है वो। बड़े भैया अपने आप पे काबू रखो। कैसे काबू रखूं सुरेंद्र, कैसे काबू रखूं? वो बेईमान आदमी मलिका और शिवानी को अपनी बहन कहता है और फिर हमारे घर के नौकरों से सुधा की मौत के बारे में जानकारी हासिल करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? अगर वो उन दोनों के ससुराल से नहीं आया होता ना तो मैं उसका वो हाल करता कि जिंदगी भर राजकोट आने का नाम नहीं लेता। बड़े भैया अपने गुस्से पे काबू रखिए। पहले तो हमें ये पता करना है कि वो सुधा के बारे में सब कुछ कैसे जानता है, और दूसरी बात तो यह है कि सुधा की मौत के मामले में वो इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? वो बक्कार आदमी है चाचा जी। महावीर के केस के बहाने वो यहाँ आया और अब सुधा के बारे में पूछताछ कर रहा है। ये सीधे सीधे हमारे परिवार पर हमला है। ऐसे आदमी को तो ठिकाने लगा देना चाहिए। देखो राजेंद्र, बोतल में जब तेल जम जाए तो उसे निकालने के लिए बोतल को तोड़ा नहीं जाता। मैं बात करता हूँ। नहीं सुरेंद्र, तुम नहीं। इस बार उस पुलिस वाले से मैं बात करूंगा। आखिर हमें कोई ना कोई फैसला तो लेना ही है। दाल बहुत अच्छी बनी है मंदाकिनी। थैंक यू माँ। क्या कर रहे हो? सासू माँ के यहाँ के नमक की बात ही कुछ आ रहा है। नहीं नहीं ना, बस। अरे अनुराग, तुम्हें मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आया? ऐसी बात नहीं है दीदी, बस मेरा पेट भर गया। अरे भाई तुम भी कमाल करती हो, सबके सामने साले साहब को शर्मिंदा करना चाहती हो। अरे भाई वो खुद थोड़े ही कहेंगे कि उन्हें बीवी की याद आ रही है। देर रात को घर लौटना, घर वालों को ये एहसास दिला देना कि भाई बीवी की याद आ रही है, उसे बुला लिया जाए। क्यों साले साहब? क्या बात कर रहे हैं आप चीजा जी? तो भाई कुछ मैंने गलत कहा क्या? कमाल है, अब खाने से बीवी का क्या संबंध? संबंध है भाई, बहुत गहरा संबंध है। पालतू जानवर मालिक के प्याऊ के सिवा और कहीं का पानी नहीं पीता। आप भी बस हद करते हैं। अबे तुम चुप रहो, ये साले जीजा के बीच का मामला है। अगर आपकी इजाजत हो जीजा जी तो मैं किसको यहाँ से? अरे इतनी जल्दी कहाँ किसके साले साहब, अभी तो हमारे तरकश में बहुत सारे तीर बाकी है। दामाद जी उसे जाने दीजिए। अरे भाई ये तो सारे घर वाले एक तरफ हो गए। अच्छा सासू मैं एक बात बताऊं, अनुराग ने मुझे कहा था कि मैं मलिका को वापस लाने की बात आपसे करूं। अब आप भी ना कमाल करते हो जीजा जी, बस। शुक्र है कि आप किसी चीफ मिनिस्टर के जीजा नहीं हो, वरना अब तक ना जाने कितनों का ट्रांसफर करवा देते। आई थिंक मेरे लिए बेटर ये हुआ कि मैं यहाँ से चला जाऊं। इतना बड़ा हो गया फिर भी हमसे शर्माता है। ये सब आपके दिए गए संस्कारों का नतीजा है ना। वैसे माँ मुझे भी ये लगता है कि अब हमें बहुओं को वापस बुला लेना चाहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुओं के बिना घर में रौनक नहीं लगती। एक काम करो मंदाकिनी, अनुराग से कह दो कि वो अभिषेक से बात करके फिक्स कर ले और दोनों राजकोट जाके बहुओं को वापस ले आए। जी माँ। अब उठे? क्यों भाई, अनुराग की बीवी नहीं है मेरी तो है, मुझे तो भूख लगती है भाई, मैं तो जम के खाऊंगा। शांता भाई, शांता भाई, काय नास्तिस, काय नास्तिस। इश्रे जारे फेफरे कर। हाथी जब फेफरे करने, फेरे कर, फेरे कर। एक ही बात है, वो क्या ना मैं नाच रही थी, इसे फेफे फेफे निकल गया। शांता भाई तुझा पायात बिजली है बिजली। ते तर मला माहितीच आहे। हाँ बड़े फिल्मी गाण्यावर का नाचते तू? पुराना जमाना चला गया रे फेफरे कर। फेरे कर वेट, आजकल पब्लिक को ना फिल्मी गीत पर नाच मांगता है। अरे पैसा मिलता है ना, अरे पैसे के ताल पे तू क्या होल इंडिया डांस करती है। ऐसा डांस गया चूल्हे में। मेरा तो मन करता है मेरी घर गृहस्थी हो, घर धनी हो, बच्चे कच्चे हो,
पर तेरे को तो मेरी चिंता नहीं है। ऐसे कैसे शांता भाई, चिंता है ना, मैं तेरे लिए एक झकास लड़का देखा है। लड़का? लड़का मतलब बड़ा लड़का, पैसों में बड़ा, बड़ी कंपनी में मैनेजर है और दिखने में एकदम रुबाबदार। तो फिर देर किस बात की फिक्र कर? फिक्र कर नहीं, फेरे कर। क्या है, तेरे में ना एक मिस्टेक है। मेरे में मिस्टेक है? क्या? वो क्या है, वो पार्टी है ना। डांस पार्टी वाला है? नहीं नहीं नहीं, तू समझी नहीं, तू बैठ बैठ बैठ। बोल। अरे पार्टी बोलेगा तो लड़का मनोहर लाल। मनोहर लाल, छान नावे। मनोहर लाल को लड़की भी एकदम छान चाहिए। वो तो मैं हुई। मॉडर्न, खानदानी। मैं तो खानदानी हुई। हाँ, खानदानी तमाशे वाली। शांताबाई नारंगी कर। शांताबाई? काय बाई? शादी करनी है ना, तो मैं बोलता वैसा करने का। मनोहर लाल को मैं बताऊंगा तू कोल्हापुर की राजघराने की है, लेकिन ये साड़ी नहीं चलेगी, तेरे को साड़ी गोल पहननी पड़ेगी। हाँ, और वो पहन के एकदम चकाचक उसके सामने जाने का और एक शुद्ध भाषा में बात करने का। समझ में आई ना बात? हाँ, थोड़ी थोड़ी, मगर नाचने वाली भूलने का नहीं। मतलब मेरे को झूठ बोलना पड़ेगा? आएगा, मेरे पे तो पाप चढ़ेगा रे। अरे तेरे झूठ बोलने से गरीब की जिंदगी बन सकती है। गरीब है? गरीब मतलब मन का गरीब है, गाय है। गाय है? बैल है, समझती नहीं है, सीधा साधा है। तेरे पास फोटो है? किसकी? ऋतिक रोशन की। अब तेरी? हाँ है ना, यात्रा में साइकिल पर बैठकर मैंने ऐसे फोटो लिया था। ऐसे लिया था? ये फोटो उसको मत दिखाना नहीं तो शादी टूट जाएगी। चल फोटो निकालने जाते, चल चल। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, गोल साड़ी पहनने की, गजरा डालने का, एकदम झक पक। तू बाहर तो जाना रे। हाँ जाता हूँ, लेकिन वो बात याद रखना। अरे बाद में बोलना रे, जा। जाता हूँ, झक पक। मंगड़ा मंगड़ा दन 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 टक डिंग डंग 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 डंग। छोटी मालकिन, बोलो। अपनी मल्लिका बिटिया ससुराल से आके बड़ी खुश नजर आती है ना? क्यों ना हो, उसको इतना अच्छा ससुराल जो मिला है। हाँ, अपनी कम्मू है ना, वो भी बड़ी बड़ाई कर रही थी ससुराल वालों की। अच्छा। क्या बात है जबलपुर वालियों, आज कलेक्टर ने आप दोनों के लाउडस्पीकर पर रोक लगा दी है क्या? कलेक्टर क्या रोक लगाएगा, हमारा मूड ठीक नहीं है आज। भाग्यवंती, तुम अभी जाओ, मैं तुम्हें बाद में बुला लूंगी। आप लोगों का मूड क्यों खराब है जबलपुर वालियों, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है क्या? क्यों नहीं खाया भाभी, खाया भी है और पिया भी है। पहले तो जी भर के डांट खाई और फिर लोटे भर भर कर अपमान के घूंट पिए। ऐसी बेइज्जती की, ऐसी बेइज्जती की, ऐसी तो कभी हमारी सास ने भी नहीं की हमारी। अरे आप लोगों की किसने बेइज्जती कर दी? आपकी बड़ी जिठानी जी ने, बस यूं ही समझिए तमाचे नहीं मारे हमारे मुंह पे, ऐसी ऐसी गालियां दी हैं। क्या कह रही हो जबलपुर वाली, सुमित्रा दीदी ऐसा नहीं कर सकती। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? जैसा कहा सुना वैसे आपको बोल दिया, हमें कोई शौक थोड़ी ना है उनको बदनाम करने का। लेकिन कुछ तो हुआ होगा। होना क्या था, शिवानी का मुंह लटका हुआ देखा तो चले गए उसका हाल पूछने। बस बस भाभी, अपने हैं इसलिए फिक्र करते हैं, शिवानी और दामाद जी में कोई अनबन तो नहीं है, यही तो पूछा बस। इतना ही पूछा तुमने? बस जरा सा ये भी पूछ लिया कि छोटे दामाद जी का किसी के साथ चक्कर तो नहीं, वो मुंबई है, कुछ भी हो सकता है। चलो तुम लोग उठो, दोनों यहाँ से उठो, यहाँ से और जाओ। भाभी ये क्या कह रही हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, तुम दोनों को शर्म नहीं आती अपने घर की बच्ची के बारे में इस तरह से बातें कर रहे हो? सुमित्रा दीदी ने तो सिर्फ आप लोगों को डांटा, अगर मैं होती ना तो तुम दोनों को धक्के मार कर बाहर निकाल देती। दीदी छोटी लगता है आज तो हमारे ग्रह ही खराब है, चलो चलते हैं यहाँ से। हाँ
चल छोटी, यहाँ तो सबके दिमाग सातवें आसमान पर है, रिश्ते नाते का भी कोई लिहाज ही नहीं है। मल्लिका जी। माँ। मल्लिका, तू शिवानी और अभिषेक जी के बारे में मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना? नहीं तो, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? वो दोनों जबलपुर वाले शिवानी और अभिषेक जी के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही थी। ओफो माँ, क्यों उनकी बातें सुनती हो? उनकी तो आदत है। देख मल्लिका, दुआ देखे बिना कोई आग आग नहीं चिल्लाता। अगर शिवानी की जिंदगी में आग लग गई ना, तो आज तुम तक भी आ सकती है। अभिषेक जरा सुनो तो। अरे भैया, मैं आप ही के पास आ रहा था। ये देखिए कितने सारे पेमेंट्स के बिल हैं। भैया, हम लोगों के ऑर्डर सप्लाई नहीं कर पा रहे, तो लोगों ने हमारी पेमेंट्स रोकनी शुरू कर दी है। भैया, मैं सोच रहा था कि अभिषेक, देखो मैं अभी बिजनेस की बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मम्मी ने कहा है कि तुम्हें और मुझे मल्लिका और शिवानी को लेने के लिए राजकोट जाना है। मैं सोचता हूँ कि कल या परसों ही निकल चलते हैं, इसी बहाने थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी। लेकिन भैया, मैं तो ऑलरेडी लेकिन वेकिन कुछ नहीं, कामकाज तो होता रहेगा। अभिषेक, तुम चलने की तैयारी करो। ओके, एक मिनट भैया। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि अहमदाबाद वाले शाह ब्रदर्स को मैंने फ़ोन करके बोल दिया कि मैं परसों तक अहमदाबाद पहुँच जाऊँगा पेमेंट कलेक्ट करने के लिए। भैया, पेमेंट काफ़ी बड़ी है। पेमेंट्स तो होते रहेंगे अभिषेक, और वैसे भी अगर ये पेमेंट 2-3 दिन लेट भी हुई तो हमारी कंपनी बंद तो नहीं पड़ जाएगी। एक्चुअली भैया, शाह ब्रदर्स पेमेंट के मामले में बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। अगर मैं परसों तक अहमदाबाद नहीं पहुंचा तो उनको एक और बहाना मिल जाएगा पेमेंट टालने का। और भैया, वैसे भी आप तो जानते हैं कि इस वक्त हमारा पेमेंट कलेक्ट करना कितना ज़रूरी है। हमें भी तो आगे लोगों को पेमेंट करनी है। और जहाँ तक शिवानी और मल्लिका भाभी को लाने का सवाल है, वो काम तो आप अकेले भी कर सकते हैं। डोंट टॉक नॉनसेंस अभिषेक, अकेले तो मैं ये कंपनी भी चला सकता हूँ, तो फिर तुम्हारी ज़रूरत क्या है? तुम्हें कंपनी की रेपुटेशन की फिक्र है, लेकिन इस बात की कोई फिक्र नहीं कि शादी के बाद अगर हमारे ससुराल मैं अकेला गया तो क्या सोचेंगे वो लोग। बट भैया प्लीज़ अभिषेक, मुझे कह लेने दो। देखो, तुम अपनी बीवी की कितनी फिक्र करते हो और कितनी नहीं, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं इस मामले में इंटरफेयर नहीं करूंगा। लेकिन तुम इतना याद रखो कि जो ससुराल तुम्हारा है वो ससुराल मेरा भी है, और मुझे अपने ससुराल में अपने रिश्ते की फिक्र है। अगर तुम्हारी वजह से ससुराल वालों के साथ मेरे संबंधों में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। नाउ डू यू अंडरस्टैंड अभिषेक? अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम मेरे साथ राजकोट चल रहे हो या पेमेंट लेने अहमदाबाद जा रहे हो। भैया, शिवानी को लेने जाने से ज्यादा जरूरी मेरा इस वक्त पेमेंट लेने जाना है। दिस इज टू मच अभिषेक। देखो तुम, फॉरगेट इट। ठाकुर साहब, आप मुझसे कुछ बात करना चाहते थे? सबीर साहब, आपने उस दिन कहा था कि जब तक आपकी जांच पूरी नहीं हो जाएगी आप हमारे घर का नमक नहीं खाएंगे। हमने उस बात का बुरा नहीं माना था, क्योंकि हर आदमी के अपने अपने कुछ असूल होते हैं, लेकिन हमने कभी सपने में भी यह नहीं सोचा था कि बिना नमक खाए भी कोई नमक हरामी कर सकता है। ठाकुर साहब, आप मुझे नमक हराम कह रहे हैं। नाराज मत होइए समीर साहब, क्योंकि इस वक्त नाराज होने का हक सिर्फ हमें है, और हमें आपसे इस झूठ की उम्मीद नहीं थी। क्या कहा था आपने उसे? यही, क्या आप महावीर के केस की इन्वेस्टिगेशन करने आए? हाँ, मैंने कहा था, वही मैं कर भी रहा हूँ। झूठ बोल रहे हैं आप महावीर के केस की आड़ में हमारे परिवार के जख्मों को खुरेद रहे हैं, हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं आप। नहीं ठाकुर साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। किया है आपने, हमारे घर के नौकरों से हमारी बहू सुधा के बारे में पूछताछ करने की जुर्रत की है। माफ कीजिएगा, इसे मैं जुर्रत ही कहूंगा, क्योंकि आपको हमारे दर्द हमारे आंसुओं के साथ खेलने का कोई हक नहीं है। अरे, हमारी बगिया का सबसे सुंदर फूल थी सुधा, और उसकी मौत के मातम से अभी तक हमारे आंसू सूखे भी नहीं कि
आप हमारे जख्मों को फिर से हरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे गलत समझ रहे हैं ठाकुर साहब। सुधा के केस से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं तो बस आपके परिवार के बारे में जानकारी ले रहा था और उसी में आपकी बहू सुधा की बात भी निकल गई। बात निकलती है तो बहुत दूर तक जाती है सभी साहब, और आपको शायद मालूम नहीं कि इस शहर में हमारी क्या पोजीशन है। आपकी जरा सी बात हमारी साख पर कीचड़ उछाल सकती है। ठाकुर साहब, अगर मैंने आपका दिल दुखाया तो आई एम वेरी सॉरी, बट इट वाज जस्ट क्यूरियोसिटी एंड नथिंग एल्स। अपनी क्यूरियोसिटी अपने पास रखिए और जो करने आए हैं वही करिए। आज के बाद हमारी बहू सुधा के बारे में किसी से पूछताछ करने की कोशिश मत कीजिए। अगर ऐसा किया तो याद रखिए वो हमारी बर्दाश्त के बाहर होगा।